Hey guys, welcome to my channel. Guys, आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन मेंशन हो रहा है उसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम सानी ने, राखल दास बनर्जी ने, एस आर राव ने या आर एस बिष्ट ने? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो एक महत्वपूर्ण स्थल था लोथल, उसकी खुदाई की खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी. तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है. आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आप इन टोटल क्वेश्चन में से यानी जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे आप इनमें से कितने सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे? बनवाली से, चनहूदड़ों से, सुतका गेंडोर से या सुरकोटदा से? तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. सुरकोटदा में क्या हुआ? घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा. और ये भी बताइए कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है. तो गाइस यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था. महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी. बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी और उसके बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी. तो सारे ऑप्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो राइट ऑप्शन बताइए. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अशोक के प्रधान शिलालेख थे उनमें सबसे बड़ा शिलालेख था आपका 13वां शिलालेख. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? यानी भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? यानी मानव ने जो सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया था वो किसे बनाया था? कुत्ता को, बैल को, बिल्ली को या गाय को? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से बता सकते हैं. बार बार कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है. यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1925 में? कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी और किसने की थी. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा. हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी. किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी. किस नदी के किनारे की थी? रावी नदी के किनारे और मॉन्टेगोमरी जिला में हुई थी. तो यहाँ आपको मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का नेपोलियन यानी ये जो उपाधि दी गई है भारत का नेपोलियन ये किसे दी गई है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? मेघासनीस को, चंद्रगुप्त मौर्य को, घनानंद को या समुद्रगुप्त को? तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा. समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है. ये गुप्त काल से रिलेटेड थे और इनका स्तंभ कहाँ बना हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति. ये इलाहाबाद में इनका स्तंभ लेख भी है. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता, भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय या अर्थशास्त्र? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. महाभारत का जो प्राचीन नाम था यानी जो मूल नाम था वो था जय संहिता. भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है. अगुंतर निकाय ये कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है. और अर्थशास्त्र आपके मौर्य काल से रिलेटेड है. भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय ये ऐसे दो ग्रंथ है जिनमें से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है. और अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो कौटिल्य ने की थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे. तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या यजुर्वेद को? तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है. जो सा रे गा मा पा धा नी सात आपके जो स्वर मिले हैं वो सामवेद से ही मिले हैं. तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जन्म स्थान आपसे पूछ रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में या कपिलवस्तु
वास्तु में। यहाँ स्थान का नाम पूछा है, लेकिन आपको ईसवी यानी कि सीसापुर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये कमेंट करके भी बताना है। तो यहाँ कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई और राजग्राम में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यानी ज्ञान की जब प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, तो उन्होंने अपने उपदेश देने स्टार्ट किए, तो अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था, बोध गया में, कुशीनगर में, राजग्रह में या ऋषिपत्नम सारनाथ में। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक अलग हैं, वास्तविक संस्थापक अलग हैं। ऑप्शन आपके पास महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या नामदेव। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, क्योंकि महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर के रूप में आए तब जैन धर्म का ज्यादा विकास हुआ, तो इस वजह से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन अगर संस्थापक से पूछ लिया जाता तो यहाँ महावीर स्वामी गलत हो जाता। तो कमेंट करके आपको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया तो उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए लोगों को, पाली भाषा में, संस्कृत में, अवधी में या खड़ी बोली में। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाना जाता है, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक या तुलसीदास। तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पटना का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, राजग्रह, वत्स, कोसल या पाटलिपुत्र। आज के टाइम में हम पटना को पटना कहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम पटना नहीं था, प्राचीन नाम कुछ और था, वही आपको बताना है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगी कि पटना का जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। उदयन हरियक वंश से रिलेटेड था और अजातशत्रु का पुत्र था, उसने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी, किसके लिए, राज सिंहासन के लिए, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए हरियक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र से रिलेटेड कई सारी जानकारियां मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, कालिदास की, तुलसीदास की, पाणिनि की या कल्लड़ की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाणिनि की, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और ये संस्कृत भाषा पर लिखी हुई यानी संस्कृत भाषा पर लिखी हुई पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था, पायान, मेघास्तनीस, मेनसांग या सेलुकस। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघास्तनीस यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे, फिर सेलुकस ने इनसे क्या कर ली थी, संधि कर ली थी और अपने राजदूत को इनके दरबार में भेजा था। जो फायान था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मेघास्तनीज ने किस पुस्तक की रचना की, यानी जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उसने एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसमें मौर्यकालीन समाज की स्थितियां, कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन थी लोगों की, सारी चीजें डिस्क्राइब की थी, तो उसी पुस्तक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास इंडिका, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या जय संहिता। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मेघास्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर, विक्रम संवत पर, जय संहिता या ऋग्वेद। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा, जिसमें हम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीनों के नाम पढ़ते हैं, ये राष्ट्रीय पंचांग ही है हमारा, तो वो पूछा है कि किस पर आधारित था। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक संवत पर आधारित था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहिए अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर से आराम से ये इजीली क्वेश्चन मिल जाए।
जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने, इसी तरह के नॉलेजल वीडियोस के लिए, यानी अगर आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।